हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम ये बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। ये हमारी साड़ी में से लेफ्ट ओवर जो फैब्रिक है उसी से हमने बनाई है ये, और इसका हाफ पार्ट से हमने लास्ट वीडियो में लहंगा बनाया था, और ये भी बनके बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अस्तर लेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया, 6.5 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है और 7 इंच यहाँ पे आर्म होल पे निशान लगाया है। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। एक निशान हम लगाएंगे 15 इंचेस पर और एक लगाएंगे 22 पर, और इसको सीधा कर लेंगे। बस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे हम यहाँ पे, और ये हम प्लेट्स के निशान लगा लेंगे। जब हम किसी शर्ट में प्लेट्स डालते हैं तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ पे हम कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे और 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पे उसका लेना है हिप का। ये आर्म होल फ्रंट और बैक का, दोनों का आर्म होल हमने ड्रॉ कर लिया है, और 1/2 इंच नीचे शोल्डर डाउन करना है। 1.5 इंच हम हिप से एक्स्ट्रा लेंगे, जितना हमने घेर रखना है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको कट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पे लेंथ ली है 20 इंचेस। आगे हम इसके फ्रिल्स लगाएंगे स्लीव्स के ऊपर। तो इसको सबसे पहले हम कट करेंगे स्लीव्स के आर्म होल के निशान के लिए। जैसे हमारा जो भी हमारी बस्ट है उसका फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें 1 इंच माइनस करेंगे तो उतना हमारा रेडी आ जाएगा। ये 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन के लिए। 2 इंच की हम इसके स्लीव्स के आगे फ्रिल अटैच करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को जो मेन फैब्रिक है उस पर अटैच कर लेंगे। फ्रंट और दोनों बैक दोनों पार्ट को हम चारों तरफ से इसको अटैच कर लेंगे। मशीन का हमें यहाँ पे
बड़ा वाला बखिया रखना होता है। फ्रंट नेक पे हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। जितनी हमें लंबी लगानी है लेस वहाँ तक आप सीधा निशान लगा लें और उस पर रख के लेस को अटैच कर लें। मैंने यहाँ पे ऊपर से शोल्डर से 16 इंचेस लिया है, 7 इंच हमारा नेक रेडी रह जाएगा और 7 इंच के नीचे हमने ये मतलब के जो लेस हैं वो अटैच करनी है। इसे अटैच करने के बाद हम इस पर बटन्स लगाएंगे ऑरेंज कलर के, जो कि बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। ये कुर्ती मतलब कि डिज़ाइनर बन के डिज़ाइनर रेडी होगी।
यहाँ पे हम इस पे कुर्ती की साइड पे लूप्स लगाने वाले हैं और उसमें डोरी डालेंगे। उसके लिए हमने सीधी वाली जो शर्ट की साइड है उस पे निशान लगा लेने हैं फिटिंग के, और उसके 2 इंच नीचे छोड़ के और यहाँ पे गैप छोड़ना है 1-1 इंच का। हमने 3 निशान लगाने हैं, यहाँ से भी 1 इंच छोड़ना है और दूरी भी हमने 1-1 इंच के निशान पे लगानी है। हिप से मतलब कि नीचे की तरफ से हमने 2 इंच छोड़ना है, छोड़ के हमने निशान लगाना है 1-1 इंच पे। 3 या 4 आपकी जितनी मर्जी हो उतने लूप्स आप इसमें लगा सकते हो। और यहाँ पे मैंने 3 लूप लगाए हैं और उन पे रखते हुए हम निशान पे लूप्स को रखेंगे और हम इनको इन पे सिलाई लगा देंगे। इसमें हम डोरी डालेंगे और ये मतलब कि जब हमें इसे पहनते हैं डोरी डाल के आगे इसके छोटे छोटे से हम लटकन से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा लूप्स हैं उसको हम बिल्कुल अच्छे से कट करके, बचना नहीं चाहिए फैब्रिक एक्स्ट्रा, तो इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और ये बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले हैं। ये अच्छे से लगे, हमने चारों तरफ ऐसे लूप्स लगा लेने हैं, फ्रंट पे भी दोनों साइड और बैक पे भी दोनों साइड सीधी तरफ लगाने हैं ये। और यहाँ पे मैंने लिया है पेस्टिंग, ली है 3-3 इंच इसकी बैथ है, 3 इंच इसकी लेंथ है, तो मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ लिया है। इसको हम इस शेप में कट करेंगे। इसको हम कट करने के बाद 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, 2 चाहिए हमें। इसको हमने स्लीव्स के जो हमारा मुड्डे का हुआ ऊपर की तरफ पार्ट होता है ना उस पे हम इसे लगाएंगे। यहाँ पे हम गोटा पत्ती लगाएंगे और उसको हम गुम करके लगाएंगे। तो उसके लिए हमने जितना चौक हमने फोल्ड करना होता है कपड़ा उसको हम फोल्ड करके उस पर एक बार प्रेस लगा देंगे और प्रेस से वहाँ पे एक लाइन बन जाएगी और उसी लाइन पे रखते हुए हमने गोटा पत्ती जो हमारे पास है जितनी हमने बाहर उसको दिखाना है बाहर रखना है उतना बाहर की तरफ रखते हुए बाकी मार्जिन अंदर लेते हुए हम इसे सीधा स्टिच कर देंगे।
यहाँ पे मैंने एक जो पट्टी ली है उस पे हमने गोटा पत्ती को अटैच कर लेना है। डबल फोल्ड लिया है मैंने यहाँ पे पट्टी को, और इसको हमने डोरी में अटैच करना है। छोटे छोटे से बेल्ट से बना के ना डोरी पे हमने एक एक साइड हमने दो दो लगा के चारों साइड दो दो लगानी है ये बेल्ट, और इसको रेडी कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स का सेंटर करेंगे। सेंटर पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हमने जो यहाँ पे ये शेप कटिंग करी है उसको हम पिन से अटैच कर देंगे। ऊपर से हमने 1 इंच छोड़ना है और इस पे चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने 5 इंच चौड़ी एक पट्टी है उसको डबल फोल्ड कर लिया है, और उस पर एक सिलाई लगा के ऐसे धागा खींच के उस पर चुन्नटे बना लेनी है। चुन्नटे डाल के इसको जितनी हमारी स्लीव्स की आगे से विड्थ है उसके उसके जितनी ही हमें ये चुन्नटे रेडी करनी है, और इसको रेडी करने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे और उसको स्लीव्स पे रख के देखेंगे कि ये पूरी आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही तो ये देखिए थोड़ा सा कम है, और हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। जब ये बराबर से हो जाएंगी तो इस पे एक हम पक्की सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। फ्रिल्स को रेडी करने के बाद हम इसको जो हमारा ये स्लीव्स का मेन फैब्रिक है 1/2 इंच उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और जो फ्रिल है उसको हम अस्तर पे अटैच करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अस्तर पे। मेन फैब्रिक इसमें नहीं लेना है, इसको हम गुम तरीके से लगाएंगे। हमने अस्तर पे इसको अटैच कर दिया, और जो हमने बाजू का मेन फैब्रिक है उसे उस पे रखते हुए एक सीधी लाइन सीधा स्टिच कर दें। Thank you.
बनने के बाद गाइस ये कुछ इस तरह की लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक आया है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा जी इसका फाइनल लुक, पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।